हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद निगार। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक करवा चौथ मेकअप लुक। बहुत ही गॉर्जियस और ब्यूटीफुल एलिगेंट ये लुक है। अगर इस करवा चौथ पे आप ये लुक ट्राई करेंगी तो आप लगेंगी सबसे अलग और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और अगर आप बिगनर्स हैं तो भी ये मेकअप लुक आप क्रिएट कर सकती हैं बहुत ही ईजिली। स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से इस करवा चौथ पे आप इस ब्यूटीफुल और एलिगेंट लग सकती हैं। और दोस्तों, ये मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है जो आपके पास सामान होगा उसी से। जरूरी नहीं है कि बहुत महंगे प्रोडक्ट हो आपके पास तभी आप मेकअप बहुत अच्छा होगा आपका, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जो भी प्रोडक्ट है उससे ही मैं मेकअप लुक क्रिएट करना ये बता रही हूँ, आप उसी तरह से करिए और आप देखेंगे कि आपकी ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो गई है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और एलिगेंट नज़र आएंगी आप, और बहुत ही एलिगेंट मेकअप लुक भी है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि इस करवा चौथ पे हम कैसा मेकअप लुक क्रिएट करें कि हम सबसे अलग नज़र आएँ। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ब्यूटी विद निगार। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये करवा चौथ स्पेशल मेकअप लुक हमें किस तरह से क्रिएट करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। इस टाइम मेरे फेस पे किसी भी तरह का कोई मेकअप नहीं है। अब मैं लूँगी थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अपने हैंड पे, सिर्फ इतना, और अपने फेस को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। मेकअप से पहले फ्रेंड्स, फेस को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे हमारी स्किन जो है ग्लो भी करती है और हमारे फेस का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी तेज़ हो जाता है। तो अच्छी तरह से आप सबसे पहले मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है और विंटर्स आ रही हैं, इसलिए हमारे स्किन पे थोड़ी थोड़ी सी ड्राइनेस आ जाती है। तो ये ड्राइनेस भी दूर करता है हमारी स्किन की। फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस पे पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है। 1-2 मिनट के लिए आप इसी तरह से इसे छोड़ दीजिए। बाद फ्रेंड्स, बारी आती है हमारे प्राइमर की। तो प्राइमर की जगह मैं एलोवेरा जेल का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये वही काम करता है जो हमारा प्राइमर काम करता है। आपकी स्किन पे ये ग्लो लेकर आएगा और एक बहुत ही अच्छा सा बेस हमारे फेस का तैयार हो जाएगा। और दोस्तों, ये प्राइमर अप्लाई करने के बाद 3-4 मिनट तक के लिए आप अपने फेस को इसी तरह से प्राइमर को सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्राइमर सेट हो गया है और अब मैं आई मेकअप से स्टार्ट करूँगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स, मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये कंसीलर। और कंसीलर का काम होता है अगर हमारे आईज़ पे डार्क सर्कल है तो उसको वो हाइड कर देता है, और ये हमारे मेकअप में एक फिनिशिंग भी देता है। तो आईज़ पे आप अच्छी तरह से कंसीलर अप्लाई कर लीजिए। थोड़ा सा मैंने ये लूज पाउडर ले लिया है और इसको अपनी आईज पे अप्लाई करूँगी ताकि हमारा ये कंसीलर अच्छी तरह से आईज पे सेट हो जाए। तो ये इस तरह से हमारा आईज का बेस तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये हुडा ब्यूटी का पैलेट और ये आई शेडो है। इसमें आपके पास जो भी पैलेट हो, हम सबके पास ही होता है, तो आपके पास भी जो भी पैलेट हो आप उसका यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे मैं ये पिंक वाला ले रही हूँ। अब मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा ब्राउन का टच दूंगी यहाँ पे अपनी आईज पे। तो ये जो आईबॉल्स होती हैं हमारी, इस जगह पे आपको ये ब्राउन का टच देना है यहाँ पे इस जगह पे। तो इससे हमारी आईज और ज़्यादा अच्छी तरह से डिफाइन हो जाएंगी।
मैं यहाँ पे फ्रेंड्स ले रही हूँ थोड़ा सा ब्लैक शेड, और फिंगर टिप्स की हेल्प से इसको अच्छी तरह से स्मच कर दीजिए आप। फ्रेंड्स मैं अपनी आईज को थोड़ा सा ग्लिटरी लुक दूंगी, इसलिए मैं यहाँ पे लिक्विड हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ। मार्केट में ये आपको इजीली मिल जाएगा, और नाइट में ये मेकअप हम अपने करते हैं करवा चौथ का, इसलिए नाइट में ग्लिटरी आईज मेकअप लुक बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स मैं अपनी आईज पे यहाँ पे थोड़ा सा ये लिक्विड ग्लिटर का यूज़ कर रही हूँ। ये जो हमारी आईबॉल्स हैं यहाँ पे आपको ग्लिटर का यूज़ करना है। अगर आपके पास ड्राई वाला ग्लिटर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकती हैं सेम इसी तरह से। और फ्रेंड्स अब मैं आईलाइनर अप्लाई करूँगी अपनी आईज पे। मैंने आईलाइनर अपनी आईज पे अप्लाई कर लिया है, अब मैं आईलैशेस अप्लाई कर लूँगी अपनी आईज पे। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर आपको वेट करना होगा। अब मैं अपने फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करूँगी थोड़ा थोड़ा सा, इस तरह से डैब डैब करते हुए आप अपने फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर लीजिए, और नेक एरिया पे भी ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो फ्रेंड्स आपको अपने ईयर्स को अवॉइड नहीं करना है, ये फाउंडेशन आप अपने ईयर्स पे भी अप्लाई करेंगी ताकि पूरा रंग हमारे फेस नेक का पूरा एक सार रहे इस तरह से। फ्रेंड्स मैंने अपने लिप्स पे भी फाउंडेशन अप्लाई किया है ताकि हमारी मैट लिपस्टिक जो है काफ़ी देर तक टिकी रहे। तो इस तरह से मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया। कॉम्पैक्ट पाउडर लेंगे और अपने फाउंडेशन को इस तरह से अपने फेस पे उसको सेट करेंगे। मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर से फ्रेंड्स फाउंडेशन को सेट कर लिया अपने फेस पे, और अब मैं लूँगी ब्लशर और चीक बोन्स एरिया पे मैं ब्लशर का यूज़ करूँगी। थोड़ा सा नोज एरिया पे और थोड़ा सा चिन पे और थोड़ा सा नेक पे। और फ्रेंड्स अब मैं ले रही हूँ थोड़ा सा सिल्वर हाइलाइटर और इसको अपने चीक्स पे इस तरह से अप्लाई करूँगी, हमारे चीक्स हाईलाइट हो जाएं। थोड़ा सा अपने नोज एरिया पे, थोड़ा सा चिन पे अप्लाई करिए हाइलाइटर को, थोड़ा सा अपर लिप्स पे, और ये जो हमारा फ्रेंड्स टी जोन एरिया होता है थोड़ा सा यहाँ पे भी हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। अगर आपकी ड्रेस पे सिल्वर कलर का वर्क है तो आप सिल्वर लीजिए, और अगर आपकी ड्रेस पे गोल्डन कलर का वर्क है तो आप गोल्डन ले सकती हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कि मेरी हाइलाइटिंग कितनी अच्छी लग रही है, फेस ग्लो कर रहा है। और अब मैं अप्लाई करूँगी अपना फेवरेट कलर रेड।
पहले लिप्स को अपने आउटलाइनर से शेप दे लीजिए, उसके बाद आप ये लिक्विड मैट लिपस्टिक अप्लाई करिए अपने लिप्स पे, तो आपकी लिपस्टिक जो है इधर उधर नहीं फैलेगी और अच्छी तरह से लग जाएगी। आपने ग्लॉसी मेकअप थोड़ा अच्छा लगता है तो मैं तो अपने लिप्स को थोड़ा सा ग्लॉसी रखूँगी, इसलिए मैं ये लिप शाइनर लगा रही हूँ। अब मेरी आई लैशेस अच्छी तरह से सेट हो गई हैं, इसलिए अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ मस्कारा। फ्रेंड्स अब मैं अपनी आईब्रोज को डिफाइन करूंगी। अगर आपके पास आईब्रोज के लिए आईब्रोज डिफाइनर नहीं है या कोई ऐसा शेड नहीं है तो आप ब्राउन कलर का शेड ले सकती हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी मुझे और हाइलाइटिंग चाहिए अपनी आईज पे, तो यहाँ पे मैं सिल्वर कलर का यूज कर रही हूँ ताकि मेरी आईज और ज़्यादा उभर कर दिखें। ये देखिए इस तरह से, थोड़ा सा आप सिल्वर, गोल्डन या ग्रीन जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप इस जगह पे अप्लाई करेंगी तो आपकी आईज का लुक और ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा आपकी आईज खूबसूरत नज़र आएंगी। ये देखिए इस तरह से आई शेडो मैंने अप्लाई किया है, वो है पिंक कलर का, तो हल्का सा पिंक टच मैं यहाँ पर देने वाली हूँ अपनी आईज को। फ्रेंड्स इस तरह से मैंने अपने मेकअप लुक को कंप्लीट कर लिया है और अब आप देख सकती हैं मेरा फेस कितना ज़्यादा ग्लोइंग लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये है मेरा फाइनल लुक और मैंने अपने बालों को कर्ल कर लिया था पहले ही, जिसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि विदाउट हीटिंग आप अपने बालों को किस तरह से घर पर ही नेचुरली कर्ल कर सकती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकती हैं, मैंने लिंक वहाँ पर शेयर कर दिया है। तो फ्रेंड्स घर के सामान से ही ये मेकअप लुक आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस करवा चौथ पर, जो आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंट दिखाएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड बटन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें। अगर आप चाहती हैं मेहंदी, फैशन, ब्यूटी और नेचुरल रेमेडीज से रिलेटेड वीडियोस तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल ब्यूटी विद निगार। बाय बाय, हैप्पी करवा चौथ।